जब से टेलीग्राम के सीईओ कम को फाउंडर को अरेस्ट किया गया है फ्रांस एयरपोर्ट में, तब से इंडिया भी एक्टिव हो गया पूरा। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे रिसर्च करने, पूरा स्कैनर पे रखा गया है टेलीग्राम को। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या टेलीग्राम सच में बैन हो सकता है इंडिया में। अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे टेलीग्राम बैन इन इंडिया, आपको बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी, मनी कंट्रोल, बिजनेस टुडे, मिंट, फर्स्ट पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, एबीपी लाइव, कॉन्डेस्क, ऐसे बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स, बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स हैं जो कि इसके ऊपर आर्टिकल छाप रहे हैं, क्योंकि ये सही में सीरियस एलिगेशंस टेलीग्राम पे पड़ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ टेलीग्राम ऐप के ऊपर। तो आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स, आपको पता होगा कि मैं टेलीग्राम पे कितना एक्टिव रहता हूँ। मैं जनरली जितना भी ऑफर्स, लूट ऑफर्स आते हैं, एमआरपी एरर्स आते हैं, शॉपिंग ऑफर्स रिलेटेड, कुछ भी बग हो, कुछ भी नया अपडेट हो, कोई नया सेल आ गया हो और इंस्टेंट अपडेट देना हो, तो इसके लिए मैं टेलीग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 18,000 के फॉलोअर्स एक चैनल पे हैं और एक चैनल पे ऑलमोस्ट 8,500 के अराउंड फॉलोअर्स है। तो टेलीग्राम में मैं काफ़ी ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है आप लोगों को अपडेट देने के लिए, क्योंकि पहले इस तरह के चैनल बनाने वाले ऑप्शंस कहीं थे नहीं। अब जाके व्हाट्सएप में भी चैनल बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा कि टेलीग्राम अगर कभी बैन हो सकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, रेगुलर व्यूअर हैं, तो जल्दी से हमारे बैकअप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इस केस पे। रशिया के एलोन मस्क कहने जाने वाले शख्स का नाम है पेवल दुरोव, जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं टेलीग्राम के। तो इनको कुछ दिन पहले फ्रेंच अथॉरिटीज द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था फ्रांस में, क्योंकि बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगे हुए थे इनपे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्टॉक्स मैनिपुलेशन, बहुत सारे केसेस टेलीग्राम पे बहुत पहले से आ रहे, चाहे कि अगर एग्जाम के पेपर्स लीक होते थे तो वो भी टेलीग्राम में ही आया करते थे। बहुत सारे एक्सटॉर्शन केसेस, मतलब ब्लैकमेलिंग केसेस, बहुत सारी चीज़ें होती जो टेलीग्राम में हुआ करते थे, और इतना ज़्यादा एनक्रिप्शन और प्राइवेसी का फायदा भी है हम लोगों को, लेकिन वहीं स्कैमस्टर्स के लिए, जो लोग स्कैम करते हैं, उन लोग के लिए ये बहुत ही हेवन हो जाता है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। सरकार कोई भी कन्वीनियंस चीज़ या फिर कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर कुछ भी ऐसा कन्वीनियंस चीज़ लाता है कॉमन लोगों के लिए, तो वहाँ स्कैमर्स का आँख और खुल जाता है। हम लोग को तो कन्वीनियंट के लिए लाया जाता है, लेकिन जैसे ओटीपी सर्विस हो गया, हम लोग कन्वीनियंट के लिए लाया गया था, लेकिन उसी का इस्तेमाल करके स्कैमस्टर्स उसे स्कैम करने लग रहे हैं। मैं जैसे कि काफ़ी टाइम पहले यूपीआई वाला आया था, अगर गलती से आप कहीं पेमेंट कर देते तो आप उसको रिवर्स ले सकते हैं। तो वही चीज़ स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि जाके कहीं दुकान वकान सामान ले रहे हैं और पैसा फिर बाद में जाकर रिफंड ले ले रहे हैं कि गलती से पेमेंट गया था। तो स्कैमस्टर्स का दिमाग नॉर्मल लोगों से काफ़ी तेज चलता है। बाकी वही स्कैमस्टर्स की वजह से टेलीग्राम भी अभी नज़र में आ चुका है। देखा जाए टेलीग्राम से बहुत ही यूजफुल, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है रेगुलर अपडेट्स देने के लिए, जैसे हमारे से चैनल से, ऑफर्स वाले चैनल से जिसमें लोग मदद होता है, वो सस्ते में शॉपिंग कर पाते हैं। जैसे यूट्यूब के बड़े बड़े यूपीएससी सिखाने वाले चैनल से, वहीं टेलीग्राम में अपना मटेरियल्स दिया करते थे, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, जेन्युइन वाला स्टडी मटेरियल्स। इमोशन बह के मैं टेलीग्राम के फायदे बताने लगा था, जबकि मैं बता रहा था टेलीग्राम क्यों बैन होने वाला है या फिर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसमें बात कर रहा था। तो बहुत सारे देशों में ऐसा, जैसे ब्राज़ील हो गया, पाकिस्तान, ईरान, इस तरह के देशों में बहुत बार बैन लगा है, फिर बैन लिफ्ट भी हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है, चांसेस बहुत बन रहे हैं कि इंडिया में भी बैन हो सकता है। बैन हुआ तो बहुत से लॉसेस हैं, और जहाँ तक बात है स्कैमर्स का, वो तो कहीं से भी स्कैम कर ही लेते हैं। जैसे मेन आने वही लोग का होगा जो जेन्युइनली इसका सही से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम पे पहली बार ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, पहले भी काफ़ी टाइम से एलिगेशन लगता आ रहा है, जिसमें टेलीग्राम खुद दिल्ली पुलिस या कोई पुलिस का हेल्प नहीं कर पाता है, उतना डिटेल्स वो दे ही नहीं पाते, क्योंकि एनक्रिप्टेड है ना, क्योंकि एनक्रिप्टेड उन लोग खुद पता रहता है कि लोग आपस में क्या भेजा भेजी कर रहे हैं। इसमें है कि जैसे होता है डार्क वेब जो होता है ना, बहुत फंडे वंडे ला के हम डार्क वेब लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन टेलीग्राम है कि इजीली लोग एक्सेस कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिसको इनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला मेन फंडा इसमें पड़ा था, और जो स्टॉक्स मैनिपुलेशन चल रहा है उसको लेकर फंडा मेन इंडिया में चल रहा है। स्टॉक्स मैनिपुलेशन में किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा। जहाँ तक बात करें स्टॉक्स मैनिपुलेशन का, तो बहुत बड़े बड़े मिलियन मिलियन फॉलोअर्स वाले चैनल्स हैं वहाँ पे, जिनमें पर्सनली मैंने देखा है, मैंने लिखा है किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है वहाँ पे स्टॉक्स को। तो उसमें इस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन होता है, आप लोग को बोला जाता है कि आप ये वाला स्टॉक बाय कर लिया, इतना जब पहुंचेगा तो उसको सेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेनी स्टॉक्स उठाया जाता है। तो सिंपल क्या करता है उन लोग कि सस्ते रेट में एक पेनी स्टॉक उन लोग खरीद लेता है, जो भी वो चैनल का ऑनर है, या फिर और एक तरीका मैं बताऊंगा बाद में।
तो वो क्या करता है कि सस्ते में पेनी स्टॉक्स खरीदता है और आप लोगों को बता देता है कि ये खरीदो इतना में तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो फिर बेच देना। तो इस सस्ता में खरीद लिया, जैसे और लोगों ने खरीदा तो उसका वैल्यू बढ़ा, जैसे वैल्यू बढ़ा उसने बेच दिया, तो उसने तो अपना 200-300 गुना कर लिया अपना और आप लोगों का तो लॉस में चला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पे आए हैं ना कि लोगों ने पहले छोटा मोटा डाला प्रॉफिट मिल गया तो उन्होंने जमीन घर बेच के लगा दिया वहाँ पैसा कि मैंने 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो बस 3 करोड़ बन के निकलेगा। ओवरनाइट सक्सेस माइंडसेट वाले लोग फंस जाते हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे चैनल टेलीग्राम में। और हाल ही में एक केस आया था जिसमें एक कंपनी ने टेलीग्राम ओनर को 20 लाख रुपए दिए थे ताकि वो स्टॉक्स का मैनिपुलेशन वहां पे कर सके, और बाद में केस आया ना तो पकड़ा भी नहीं गया। देखा जाए तो सरकार को शायद ग्रुप्स में और चैनल्स के लिए अलग से लॉ ला देना चाहिए जिसमें वो रेगुलेट कर सके चीजों को क्या इसमें पोस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स के लिए और चैनल्स के लिए, खासकर एक अमाउंट ऑफ जब बढ़ जाता है नंबर तब के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी। मान लीजिए अगर कोई फैमिली ग्रुप मेंबर है तो उसमें 100 से 150 तो होंगे नहीं ना, तो जब कोई ग्रुप या चैनल 100-150 के ऊपर चल जाए तो सरकार को शायद अथॉरिटी रखना चाहिए कि उसको रेगुलेट कर सके, वो देख सके कि क्या उसमें जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं क्या टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है। तो चांसेस तो बन रहे हैं बैन हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स भी इस पे दावा कर रहे हैं कि शायद ये बैन हो सकता है, क्योंकि उनका जो रिसर्च है मेरे रिसर्च से बहुत ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि उन लोग को आता है रिसर्च कैसे करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च कहता है कि टेलीग्राम शायद इंडिया में बैन ना हो, नहीं होने के चांसेस को 60% रखूंगा और होने के चांसेस को 40% रखूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे एलिगेशन से नया नहीं है, पहले भी काफ़ी लग चुके हैं, अभी तक बैन उसमें बैन नहीं हुआ तो मेरे चांसेस अभी भी बैन नहीं होगा। 1.5-2 साल पहले ऐसा था कि क्लियर कट कोई मूवी आप टेलीग्राम में सर्च करते तो डायरेक्ट आपको मिल जाता था, कोई भी नया मूवी आया कुछ भी आया वो सर्च किया आपको मिल जाता था। अभी जब सरकार थोड़ा टाइट किया था वहाँ पर ऐसे मूवीज चैनल को बंद कर दिया गया, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे ऐसे मूवी चैनल्स देखे थे जो कि बंद हो गए, उसमें कॉपीराइट इंफ्रीमेंट करके ऐसे कुछ करके आता था और बंद हो जाता था, ऐसा अब इजीली अब नहीं मिलता है। अब वो लोग क्या करता है, लिंक देता है जो कि अलग एक ऐप में फॉरवर्ड कर देता है, टेराबॉक्स या टेराबाइट करके ऐप है उसमें फॉरवर्ड कर देता है, वहाँ जाके आप डाउनलोड या देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप मूवी वगैरह टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड कर देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ एक क्रिएटर कितना मेहनत लगता है कोई चीज़ क्रिएट करने में, और एक मूवी उन्होंने क्रिएट किया तो उनका उनको प्रॉपर पे बैक मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो मेरा रिसर्च वगैरह इतना ही था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हैं तो व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप दोनों में कहीं भी ज्वाइन नहीं है तो दोनों जगह ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे।